हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो V27 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है मोनो ऑडियो सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये मोनो ऑडियो सेटिंग जो है ना, इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑडियो एडजस्टमेंट का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको है ना मोनो ऑडियो का ये ऑप्शन मिल जाएगा, इसके सामने वाले बटन को आपको टैप करके इसे ऑन करना है, ठीक है। यानी कि आपकी सेटिंग इनेबल हो जाएगी। अभी सेटिंग काम कैसे करेगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो ऑडियो बैलेंस लिखा हुआ है ना, ये ऑडियो बैलेंस जो है आपके मोनो ऑडियो का ही पार्ट है, इसी का हिस्सा है, ठीक है। ऑडियो बैलेंस, आप ये ऑडियो बैलेंस के नीचे देखिए लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। देखिए, मेरे पास जो है ना ये ईयरफोन्स हैं, ठीक है, ये वायर वाले ईयरफोन है। आपके पास कोई से भी ईयरफोन है ना तो आप उसे रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ईयरफोन पर ना एल और आर लिखा होता है। एल और आर का मतलब है ईयरफोन का आपका लेफ्ट और राइट होता है ये आपका, ठीक है। तो इससे मैं आपको ईयरफोन क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन में, ठीक है, ईयरफोन को कनेक्ट करेंगे, चाहे आपके पास ब्लूटूथ वाले ईयरफोन है, कोई हेडसेट है या फिर कोई भी ईयरफोन है, कोई भी है, इसे आप कनेक्ट करिए अपने फ़ोन के साथ और आप अपना जो है ना कोई भी म्यूज़िक वीडियो ऑडियो कुछ भी आप देख रहे हैं सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है ना इस मोनो ऑडियो सेटिंग में आके सेटिंग को ऑन करके आप इस ऑडियो बैलेंस में जो पॉइंटर दे रखा है ना, इस पॉइंटर को अगर आप लेफ्ट में देंगे ना, लेफ्ट में, तो इससे क्या होगा, आपका जो एल वाला ईयरफोन होगा ना उसमें आपको ऑडियो सुनाई देगा और आर वाले ईयरफोन में आपको ऑडियो सुनाई तो देगा लेकिन उसमें से बहुत ही कम आवाज आएगी, ठीक है। और इसी तरीके से इस पॉइंटर को अगर आप राइट में कर देंगे तो क्या होगा, आपके आर वाले ईयरफोन में, यानी कि आपके राइट वाले ईयरफोन में आपको ऑडियो सुनाई देगा और आपको एल वाले ईयरफोन में आपको ऑडियो सुनाई तो देगा लेकिन उसमें से आपको कम आवाज आएगी, ठीक है। इसी तरीके से इस पॉइंटर को आप सेंटर में कर देंगे ना तो आपके दोनों ईयरफोन्स में से आपकी ऑडियो बैलेंस बराबर सुनाई देगी। इसी तरीके से आप जो है इस पॉइंटर को आप इस लाइन पे कहीं भी आप रख सकते हैं तो आपको ऑडियो जो है ना डिफरेंसेस आपको देखने को या सुनने को मिलेंगे, ठीक है। इस पॉइंटर को आप इस लाइन पे कहीं भी आप रख सकते हैं, इस तरीके से इसका डिस्टेंस जो है ना आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है ना ये होता क्या, मोनो ऑडियो सेटिंग्स के जरिए आप जो है अपने ईयरफोन की आप ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन से ईयरफोन में आपको ज्यादा आवाज सुननी है और कौन से में कम सुननी है, ठीक है। तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है इनेबल होने के बाद आपके फोन में।